शायरी गुलकारी और अदाकारी की तरह इश्क करना भी फनून लतीफा में से है। दुनिया में तीन किस्म के आशिक हैं, एक वो जो खुद को आशिक कहते हैं, दूसरे वो जिन्हें लोग आशिक कहते हैं, और तीसरे वो जो आशिक होते हैं। मेरा दोस्त कहता है आशिक दरअसल आशिक होते हैं कि वो इतना महबूब से प्यार नहीं करता जितना शक करता है। हमारे यहाँ जितने भी अच्छे आशिक मिलते हैं वो किताबों में या फिर कब्रिस्तानों में। कामयाब आशिक वो होता है जो इश्क में नाकाम हो जाए, क्योंकि जो कामयाब हो जाए वो आशिक नहीं खावन कहलाता है। शादी से पहले वो बढ़कर महबूबा का हाथ पकड़ता है अपनी मोहब्बत के लिए, जबकि शादी के बाद वो बढ़कर बीवी का हाथ पकड़ता है अपने बचाव के लिए। कहते हैं आशिक खूबसूरत नहीं होते। इसकी एक वजह तो ये है कि जो खूबसूरत होते हैं वो आशिक नहीं होते, लोग उन पर आशिक होते हैं। आशिक, शायर और पागल, इन तीनों पर एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खुद किसी पर एतबार नहीं करते। इस दुनिया में जिस शख्स की बदौलत आशिक की थोड़ी बहुत इज्जत है वो रकीब है। जब रकीब नहीं रहता तो अच्छे खासे आशिक और महबूब मियां बीवी बन जाते हैं। मेरा दोस्त एक ही नजर में आशिक हो जाता है और कहता है मेरे साथ कोई दोशीजा मुखलिस नहीं निकली, जो मुखलिस निकली वो दोशीजा नहीं निकली। उसकी क्लास में 30 लड़कियां थीं। इनमें से एक लड़की इसलिए नाराज रहती थी कि वो इसे तवज्जो ना देता, और बाकी 29 इसलिए कि वो तवज्जो देता था। कोई नहीं कह सकता कि आशिक बेवकूफ होता है या अकलमंद, क्योंकि इश्क वो काम है जिसे अकलमंद और बेवकूफ दोनों इकट्ठे शुरू कर दें तो हफ्ते बाद ही इनमें अलग अलग तमीज करना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल इश्क करने से पहले बंदा इतना तो अकलमंद होना चाहिए कि उसे पता हो कि इस काम का अकल से कोई ताल्लुक नहीं। कहा जाता है सबसे कीमती आशिक फिल्मों में मिलते हैं, क्योंकि इश्क करने से उन्हें महबूबा नहीं मुआवजा मिलता है। शायद इसीलिए वो सच्चा इश्क करते हैं। केकाउस कहता है वो इंसान ही क्या जो आशिक ना हो, मगर मैं कहता हूं वो आशिक ही क्या जो इंसान ना हो। वो शख्स अच्छा नहीं हो सकता जिसके दिल में सिर्फ इश्क हो और कुछ ना हो, और वो शख्स भी अच्छा नहीं हो सकता जिसके दिल में सब कुछ हो और इश्क ना हो। आप सुन रहे थे आरजे तनवीर अहमद खान की आवाज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।